नमस्कार आदाब, मैं इस्लाम अंसारी स्वागत करता हूँ आप सबका जन जागृत न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम। प्रयागराज नगर पंचायत बहादुरगंज सफाई कर्मचारी मदीना आज दिनांक 30 जून 2020 को अपनी ड्यूटी से सेवानिवृत्त हुई। मदीना सफाई कर्मचारी पत्नी सुब्राती कर्मचारी नगर पंचायत भारतगंज को 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि 1 जुलाई 1960 के आधार पर सेवानिवृत्त किया गया, जिसमें वहां मौजूद नगर अध्यक्ष हाफिज जुबेर अहमद, ईओ सतन प्रताप सिंह, बड़े बाबू सुनील कुमार श्रीवास्तव, बच्चालाल, सभासद जितेंद्र केसरी, सभासद जावेद खान एवं समस्त टाउन एरिया कर्मचारी कर उपस्थित रहे। आइए देखते हैं वीडियो क्लिप को। आज हमारे बीच से हमारी सफाई कर्मी श्रीमती मदीना, जिन्होंने अपनी 60 वर्ष पूरी करते हुए आज सेवानिवृत्त हो रही हैं, दूसरी समारोह में लोग उपस्थित जाएगा। कागज मदीना ठीक से रखना तुम्हें। क्या नाम आपका? मदीना। मदीना, आज आपकी विदाई समारोह है। हाँ, आप कुछ अपने बारे में बताएं, कब से आप काम कर रही थी? कितना साल से काम कर रही हैं? अरे 40 साल। 40 साल। आप कुछ कहना चाहेंगी? अब यही कही चाहे सकी हमारे साहेब लोग पिल्सिन उल्सिन की बनाए थे, का खावे साहेब। बाकी और जो आपका कार्यकाल गुजरा इन लोग के साथ में, वो कैसा रहा? ठीक ठीक रहा। हाँ, अच्छा रहा। ठीक रहा सर, ठीक रहा। तो भारत में आप जो काम कर रही थी, ज्यादा वार्ड किस वार्ड में थी? 8 और 11। हाँ। अब आती कहाँ से हैं? मांडा से। मांडा खास से। हाँ। अच्छा जी, शुक्रिया। और नाम सुनने पे आपको जब इच्छा होगी तब आ जाइएगा, जब आपकी मर्जी होगा, कल से चाहे अगले महीने चाहे परसों, जब आपकी इच्छा हो। ठीक। मैं ये देख रहा हूँ आज विदाई समारोह है, मैं जिस तरह से नाम है मदीना इनका, और आप यहाँ अकेले दिख रहे हैं सभासदों में से, और सभासद नहीं आए हुए हैं, ऐसा क्यों? अभी तो कार्यालय के संज्ञान में होना चाहिए, हम भी मौके पर आप गए थे, हमें कोई सूचना तो नहीं था कि आज हमारे वरिष्ठ कर्मचारी जो सफाई कर्मी हैं उनका रिटायरमेंट है। ये तो भाग्य की बातें हैं कि हम इस मौके पर पहुँचे। यहाँ मदीना जो है, ये हमारे इनका 20 साल का नाता था कार्यालय से, और ये बहुत ही कर्मठ है सफाई कर्मी थे, और बहुत ही इनका एक सभी कर्मचारियों में इनका इज्जत था, और बहुत स्वभाव की अच्छी थी जी। बहुत अच्छा बात रखा आपने। भविष्य के लिए तो नहीं, हमारा पूछे मतलब ये था कि आपको भी अवगत नहीं कराया गया था? नहीं, ये ऑफिशियली चीजें थी। तो ऑफिशियली में आप भी तो आते हैं, हमारा आने जाने लगा था, सभासद आप हैं तो अपने काम के हिसाब से आते हैं। तब ऐसे मौके पे क्या खबर देना या आप लोग को अवगत कराना ठीक ही होता क्या? उचित रहता, सभी कर्मचारी सभी स्टाफ सभी सभासद रहते तो ज्यादा बेहतर पड़ता। धन्यवाद। इस चैनल पे दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज, सच के साथ।